अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, डे टू डे एक्सपायरेशन इन द कॉस्ट ऑफ ए नॉन करंट एसेट। यानी दिन ब दिन एक एसेट यूज होने की वजह से जो पुराना हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, उसकी कॉस्ट को कम करने को हम डेप्रिशिएट करना कहेंगे। ये दो लाइन्स हैं जो कि दिखने बहुत बेसिक लगती हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप इनको समझ लें तो आपके लिए पूरी अकाउंटिंग आसान हो सकती है। द लाइन्स मीन्स थिंग्स टू बी यूज एसेट, यानी वो चीज़ें जो कि यूज अभी होनी है, वो हम उनको हम एसेट कहेंगे अकाउंटिंग में। ओके, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंग्स यूज अप, वो चीज़ें जो कि यूज हो चुकी हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर चुके, वो हमारे लिए एक्सपेंस बनेंगे। हम जो डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, एक्सपेंस हमारे लिए क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम पे करते हैं, जिनके लिए हमने पे करा वो हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं, राइट? अगर आप कोई फ्रूट खरीद कर आए, आपने पैसे दिए, तो फ्रूट्स का खरीदना आपके लिए एक्सपेंस है क्योंकि आपने उसके लिए पे करा। लेकिन यहाँ अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है। अकाउंटिंग क्या कहती है कि थिंग्स यूज्ड अप, वो चीज़ें जो कि इस्तेमाल हो गई, वो हमारे लिए एक्सपेंस बन गई। हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक ही इसी कॉन्सेप्ट की वजह से पढ़ रहे हैं, इस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगता है, वो नॉन करंट एसेट पे चलता है। नॉन करंट एसेट कहते ही उन एसेट को है जिनकी जो यूजफुल लाइफ होती है वो 5 साल तकरीबन या फिर 1 साल से ज़्यादा की होती है। नॉन करंट एसेट कहते ही उन्हें जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा के अरसे में होती है। हम स्टेशनरी अगर लेकर आए, खरीद के लेकर आए, और स्टेशनरी एक करंट एसेट है, तो स्टेशनरी को हमने यूज़ कर लिया, थिंग्स यूज अप, स्टेशनरी यूज हो गई तो हमारे लिए एक्सपेंस बन गए, सिंपल। लेकिन डेप्रिसिएशन में क्या है कि नॉन करंट एसेट की लाइफ ही 1 साल से ज़्यादा की होती है, तो वो सेम चीज़ें हो रही हैं कि वो साथ साथ वो चीज़ यूज़ भी हो रही है, एसेट यूज़ भी हो रहा है, लेकिन वो यूज़ करने के लिए अभी बाकी भी है, मौजूद भी है। इसीलिए तो हम यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि हम उसको एसेट कंसिडर करें या एक्सपेंस, क्योंकि वो यूज़ भी हो रहा है और वो एसेट भी है क्योंकि वो यूज़ होने के लिए बाकी है। इस वजह से डेप्रिसिएशन हम आज टॉपिक पढ़ेंगे और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डेप्रिसिएशन के हम डेफिनेशन में बात करेंगे। डेप्रिसिएशन इज द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट टू करंट एक्सपेंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। टेंजिबल एसेट हम नॉन करंट एसेट को कहते हैं, इसको एक और नॉन फिक्स्ड एसेट भी है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग टेंजिबल एसेट की कॉस्ट को करंट एसेट में तब्दील कर रहे होते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, राइट? आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कि हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किस तरह करें। वी अज्यूम द यूजफुल लाइफ ऑफ ए नॉन करंट एसेट, हम एक नॉन करंट एसेट की यूजफुल लाइफ को अज्यूम करते हैं। यानी ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली अगर आज हम लोग मशीन खरीद के लाए हैं तो ये अगले कितने साल चलेगी, ये 5 साल चलेगी, 6 साल चलेगी या 10 साल चलेगी, हमें नहीं पता, लेकिन हम एस्टिमेट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो यूजफुल लाइफ को अज्यूम कर रहे होंगे एक नॉन करंट एसेट की। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन हम चार्ज ही करते हैं नॉन करंट एसेट पर। तो एक एग्जांपल है कि वी परचेज अ मशीन फॉर 1 लाख, हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख की, यूजफुल लाइफ उसकी हमारे पास 5 ईयर्स है, जो हमने एस्टिमेट करी है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स। फर्स्ट ईयर का हमने डेप्रिसिएशन निकाला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट को डिवाइड करा 5 से, 20,000 आंसर आया हमारे पास। तो यानी कि 20,000 डेप्रिसिएशन हमने निकाला, मतलब 20,000 हमारे पास एक्सपेंस बन चुका है। थिंग्स टू बी यूज्ड एसेट, यानी कि जो जितना यूज हो चुका था उसको हमने एक्सपेंस बना लिया, और जितना यूज होना बाकी है वो एसेट है। अगर 1 लाख की मशीन थी और 20,000 एक्सपेंस बन चुका है, तो 80,000 क्या है, हमारे पास एसेट है, और 80,000 तक मशीन हमारे पास यूज होना बाकी है। ये समझाने के लिए एक मैंने इस तरह लिखा है यहाँ पर कि मशीन 1 लाख की थी, उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स की थी। तो हमने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाला 20,000, सेकंड ईयर का फिर 20,000, इस तरह थर्ड एंड फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो गया, 1 लाख। यानी कि टोटल जो एक एसेट था वो अब कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस के अंदर 1 लाख। लेकिन हमने इसको डायरेक्ट लिया, यानी कि एकदम से डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करा, हमने इसको ऐसा ऐसा कन्वर्ट करा, यानी कि पर ईयर हमने डेप्रिसिएशन निकाला, जितना जितना यूज होता गया उतना हमने इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते गए। तो हमारे पास आती है रेजिजुअल वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू।
ये तीनों एक ही नाम है, ऑब्वियसली इनको तीनों नाम से आपके आप देखेंगे अपनी क्वेश्चंस वगैरह में। तो ये क्या होते हैं हम जानते हैं आज, एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड वैल्यू टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यानी एक मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी कि जो अंदाज़ा लगाते हैं हम एक यूजफुल लाइफ मशीन की, कि भाई मशीन 5 साल चलेगी, ठीक है, हमने अंदाज़ा लगाया कि एक मशीन जो है वो 5 साल तक चलेगी, 5 साल तक वो यूज़ होगी, बेनिफिट प्रोवाइड करेगी 5 साल तक। तो 5 साल क्या हुए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हुए उसके। एस्टिमेटेड वैल्यू टू बी रिसीव्ड, यानी उसकी जो हमने 5 साल एस्टिमेट करा यूजफुल लाइफ होगी, उस 5 साल के बाद हम एक और एस्टिमेशन कर रहे हैं कि भाई 5 साल के बाद ये मशीन कि जो वैल्यू रिसीव्ड होगी, यानी कि जो हम 5 साल के बाद हम मशीन को बेचेंगे और सेल करने के बाद जो हमें वैल्यू रिसीव होगी, वो भी ऑब्वियसली एक एस्टिमेशन है, आप करेक्ट तो नहीं बता सकते। वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेजिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, मैं एक और दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी मशीन की यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड, जो हमने अंदाज़ा लगाया है कि इसकी इतनी यूजफुल लाइफ होगी मशीन की, फॉर से 5 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ होगी, जो कि हमने एस्टिमेट करा है, यानी अंदाज़ा लगाया, उस एस्टिमेट जो करा है हमने लाइफ को, यानी 5 साल के बाद जो एक वैल्यू रिसीव होगी हमें, वो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है, या फिर ये दोनों नाम से भी हम इसको आके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेथड्स। ये जो हमने अभी मेथड देखा कि हमने कॉस्ट को डिवाइड करा था यूजफुल लाइफ से, ऑब्वियसली ये समझाने के लिए था, लेकिन हम लोग यहाँ पर सेवरल मेथड्स देख रहे होंगे कैलकुलेट करने के डेप्रिसिएशन को। फर्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिनकी ये दो नाम भी हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, प्रोडक्शन मेथड में हमारे पास दो मेथड आते हैं, यूनिट मेथड और आवर्ली मेथड। तो इन सब मेथड्स को हम वन बाय वन देखेंगे, हर एक पार्ट में अच्छी तरह पढ़ेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वाकई में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक कमेंट ज़रूर करें, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।